लगातार पंजाब मंगदा जवाब तहत रैलियां का सिलसिला श्रोमणी अकाली दल का जारी है। अडेरा बस्ती के श्रोमणी अकाली दल की विशाल रैली होगी। पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल की अगुवाई से इतने बड़ी गिणती लोग जुटेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों लोगों ने किए वायदों का हिसाब जोड़ा है वो मंगया जाएगा। बीते चार वरिया के कार्यकाल का लोक लेखा जोखा जो है वो मंग रहे हैं। अजे विचकार लगातार पंजाब मंगदा जवाब तहत सूबा सरकार जिते निशाने साधे जा रहे हैं उसे ही चार वरिया के कार्यकाल का हिसाब भी मंगया जा रहा है। रमन सारे नाल सारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रमन, जिस तरह लगातार पंजाब मंगदा जवाब तहत रैलियां का सिलसिला वक् वक् थावां ते जारी है, अज इस नूं लैके की कुछ जानकारी है? जिरा तो अच्छ पंजवीं रैली जी पंजाब मंग का जवाब के तहत डेरा बस्ती के हलका जीरकपुर की जा रही है। वड्डा इंतजाम किया गया है, मंच जरा सज के बिल्कुल तैयार हो चुका है। जिहड़े इत्थे वर्कर आउणगे उन्हां दे लई बकायदा तौर पर जो सरकार वल्लों गाइडलाइन जारी की गई ने कि सोशल मेनटेन जारी रहना चाहिए हैगा, जिहड़ा हैगा मास्क रहने चाहिए है, जिहड़ा हैगा पूरी तरह के जिहड़े प्रबंध किए ने उह किए गए ने। इत्थे देख सकदे हो पिछे तस्वीरां दे राहीं कि जिहड़ा हैगा सारे तरह के प्रबंध जिहड़े हैगे ने उह कर दित्ते गए ने। साडा एन के शर्मा मौजूद ने, शर्मा जी किहड़े किहड़े प्रबंध किए गए ने और कदों तक का जिहड़ा हैगा इत्थे जिहड़े वर्करां दी पहुँचना शुरू हो जाणगे? पहलां तां मैं धन्यवाद करदा सरदार सुखबीर सिंह बादल जी और पंजाब दी ती हरसिमरत कौर बादल जी जिहड़े अज बकायदा तौर पर डेरा बस्सी हल्के दे लोकां दे रूबरू होणगे और पंजाब दे लोकां दे नाल जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने धोखे किए हैं अज पंजाब मंग दा जवाब दे तहत वो सारे धोखियां दा जिक्र भी करनगे और सरकार दे खिलाफ़ लड़ाई की शुरुआत अज इस मैदान तो होण जा रही है। करोना की जो गाइडलाइनस हैं तुसीं देखो भी हर कुर्सी ते असीं मास्क भी रख्या होया, पानी भी रख्या होया, 15-20 बाहर सैनेटाइजर लाए हुए हैं, उत्थे बकायदा मास्क और सैनेटाइजर रखे हुए हैं। मैं खुद गेट ते खड़ के सारे नूं रिक्वेस्ट करूँगा कि हाथ साफ करके सैनेटाइजर ला के बकायदा करोना की गाइडलाइनस के हिसाब नाल जिहड़े वो अंदर आन कुर्सियां च भी बाकी भी सोशल डिस्टेंसिंग का जिहड़ा विशेष तौर पर ख्याल आ जिहड़ा रख्या होया। और डेरा बस्सी हल्के दे लोकां च वैसे तो पंजाब च ही तुसीं देखो भी कांग्रेस के खिलाफ बहुत बड़ी रोस की लहर चल रही है और श्रोमणी अकाली दल की जो कारगुजारी रही है चाहे वह किसानों प्रति आ, चाहे नौजवानों प्रति आ, चाहे व्यापारियों प्रति आ, चाहे कर्मचारियों प्रति आ, उसकी जिहड़ी कारगुजारी तो प्रभावित होकर अज बहुत वड्डी गिणती च लोग श्रोमणी अकाली दल नाल जुड़ रहे हैं और मैनूं पूर्ण आस है कि अज की यह रैली कांग्रेस दीयां जड़ां जिहड़ी पंजाब तों पट्टण च कामयाब होए। कोई वड्डे ऐलान की संभावना? सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब दा इत्थे पहुंचना ही मैं समझदा कि बहुत वड्डा ऐलान, जिथे रैली जांदे ने आम तौर ते उम्मीदवार दा ऐलान हो ही जांदा। शर्मा जी दा जिहड़ा हासा दस रहा कि इदों वड्डा उम्मीदवार शायद हल्के विच नहीं है, इसलिए अज ऐलान शर्मा जी दा भी हो सकदा। इह फैसले सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब उन्होंने करने हैं, उन्होंने ही अपना रहने देंगे हैं। पर मैं धन्यवादी हाँ, आस उम्मीद तो कोई होंगी है ना, काम किया हों हल्के 10 साल तो विचर रहे हो गए, 15 साल हो गए ने। श्रोमणी अकाली दल की लीडरशिप ने मैनु सदा ही मेरी उम्मीद तो बहुत ज़्यादा बद दिता। मैनु देखो पार्टी का कैशियर बनाया, पंजाब का व्यापार विंग का प्रधान बनाया, पिछली बार मैं MLA बनया, मैनु मिनिस्टर बनाया। सब तो वड्डी जिहड़ी गल है कि मेरे हल्के की डिवेलपमेंट वास्ते कदे भी मैं कोई भी पैसा कोई भी बेनती करी सरदार प्रकाश सिंह जी बादल और सुखबीर सिंह बादल जी और हरसिमरत कौर बादल जी ने कदे मैनू ना नहीं करी। अराधा जिहड़े हैगे आ 12 बजे जिहड़ी हैगे रैली दी शुरुआत हो जाएगी, 11 बजे हो जाएगी, वर्कर पहुंचने शुरू हो जाएंगे। तमाम गाइडलाइन का जिहड़ा इत्थे पूरा जिहड़े हैगे उन्हां ते निगाह रखी गई है, तमाम गाइडलाइन नूं मन्निया जा रहा है जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रमन, तुहाडे तों लगातार अपडेट इस रैली दी लवांगे। सो बहरहाल जिस तरह नाल पंजाब मंगदा जवाब तहत लगातार ये सरकार तों जवाब मंगे जा रहे ने।